आज हम लोग ब्रोकली सूप बनाने वाले हैं। मैं किसी को कुछ नहीं सिखा रहा ये हूं। पहले से पका के रखी है ब्रोकली, थोड़ा सा कढ़ाई के अंदर। अभी आधे से ज्यादा लोग बोलेंगे कि अरे तूने नहीं बनाया, ये तेरी मम्मी ने बना के भेजा, अभी तू खाली मिक्सर में डाल रहा है। बिलीव करना है करो, नहीं करना है आई डोंट केयर, मुझे फिर भी सूप पीने मिलने वाला है। ब्रोकली हेल्थ के लिए अच्छा होता है क्योंकि ब्रोकली से बहुत गैस होता है। ब्रोकली में फाइबर है। मम्मी बोलती थी कि फाइबर खाओ फाइबर खाओ, अभी मैं 32 साल का हो गया तो मैं फाइबर के लिए अपना स्वेटर भी खा जाऊं। स्वेटर की जरूरत क्या है यार, इतनी गर्मी हो गई है आजकल, कोल्ड कॉफी बनानी चाहिए थी यार। ब्रोकली के स्टॉक्स भी यूज किए हैं क्योंकि ब्रोकली काफी महंगी है। मैं अंबानी का बच्चा नहीं हूँ, इनफैक्ट अभी अंबानी भी खुद ब्रोकली के स्टॉक यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर डालना उधर हमेशा चिपकता है। मिक्सर में डाल के पीसेंगे। पेन कौन ले जाता है बार बार यहाँ से? अभी पिसी हुई ब्रोकली को हम लोग ये पैन में डाल के बनाएंगे। पैन पे हाथ रख के देखो, अगर गरम नहीं है मतलब नीचे आग नहीं जल रही है। ये आग इतनी यूजलेस चीज है ना, जब से आग इन्वेंट हुई है तब से हम लोग ने एक आदमी को उसके सामने खड़ा कर दिया खाना बनाने। भाजियों का क्या प्रॉब्लम है, हमेशा चिपकती है। इसके अंदर थोड़ा और पानी डालो और एक और बार हिलाओ। ये देख, परफेक्ट। मम्मी बोलती है कि गरम ब्रोकली मिक्सर के अंदर डालोगे तो मिक्सर खराब होएगा। मिक्सर का काम हो जाए तो उसको ऐसा पड़ा हुआ मत छोड़ो, ऑलवेज सीधा बेसन के अंदर। ये खाने के वीडियो बनाने वाले इतने खुश कैसे रहते हैं? चमचा गंदा है तो एक और प्लेट वेस्ट मत करो इसको रखने के लिए, चुपचाप ये खड्डे के अंदर डाल दो। ज्यादा थिक लग रहा है तो थोड़ा पानी और डालो ना यार, सूप जैसा दिखना चाहिए। थोड़ा कोल्ड कॉफी बनानी चाहिए थी यार। इन्फ्लुएंसर बनने के लिए साइड के बाल काटना जरूरी है क्या? ऐसी लाइफ कैसे हो गई यार मेरी। अभी हम लोग एक बार सूप को टेस्ट करेंगे। मैं चम्मच यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो धोना पड़ेगा। उंगली इज जस्ट एज इफेक्टिव। वैसे भी मेरे हाथ तुम्हारे भेलपुड़ी वाले से ज्यादा साफ है। एक्स्ट्रा नमक डालना है तो डाल दो, कितना डालना है पूरी दुनिया स्वाद अनुसार नमक डाल रही है यार, तो तुम लोगों को पता नहीं है क्या? जितना चाहिए उतना डालो ना। कोल्ड कॉफी बनानी चाहिए थी यार। सूप बन गया है, काफी अच्छा है। फाइनल प्रोडक्ट दिखाने नहीं वाला क्योंकि अभी तक हरा ही है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर करना है शेयर करो, खाना है खाओ, मुझे फोटो मत भेजो अपने सूप की, मैं गॉर्डन रैमसे नहीं हूँ। जिंदगी में बहुत आगे जाना है यार, डोंट बी सो सुपरफिशियल। जैसे हम लोग ने पूरी ब्रोकली यूज की है वैसे अपनी पूरी लाइफ यूज करो, और डोंट जो तुम्हारे मन में आया करो यार, आई डोंट केयर। कोल्ड कॉफी बनानी चाहिए थी यार।